माँ कालेश्वर मंदिर में एक बार फिर वीआईपी दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वीआईपी दर्शन का समय 2 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया है, लेकिन शेष समय में अब सामान्य दर्शनार्थियों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल और अभिषेक रसीद से गर्भगृह में जाकर दर्शन करने के लिए 23 अगस्त को मंत्रियों की समिति ने वीआईपी दर्शन का समय सुबह 6 से 7 व दोपहर को 3 से 4 तय किया था। इस फैसले के बाद सामान्य दर्शनार्थियों को गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इस तय समय के बाद किसी को भी गर्भगृह में पूजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। महाकाल मंदिर में पहले जो हमारी अभिषेक की रसीदों के आधार पर जो दर्शन व्यवस्था थी और जो प्रोटोकॉल व्यवस्था थी, वो पहले सुबह 6 से 7 और दोपहर में 3 से 4 की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। उसके बाद उसको सुबह 2 घंटे का टाइम दिया, उसमें रखा गया है 8 से 10 या जो भी आरती का समय रहता है उसको देखते हुए, और दोपहर में 2 से 4 का समय रखा गया है। साथ ही जो बीच का समय मिलता है उसमें अन्य श्रद्धालु जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम भीड़ की एक स्थिति, मतलब कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं उसका एक आकलन करते हुए फिर हम उनको अंदर दर्शन कराने की व्यवस्था कराएंगे।